मुंबई में, नवी मुंबई में, डोंबिवली में, थाने में, बद्दापुर में, चाहे जहां आप रहते हो, इन लोकेशंस पर काम करने वाले सभी लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो आ गई है, क्योंकि इस बार मैं डोंबिवली स्टेशन पे आया हूं और आपको एक प्रॉपर्टी का रिव्यू दिखाने वाला हूं जो कि डोंबिवली ईस्ट में है। मैं बहुत पहले डोंबिवली आया था, लेकिन जबरदस्त रिक्वेस्ट हमेशा कि डोंबिवली में प्रोजेक्ट के रिव्यूज करो, और मैंने देखा कि भाई डोंबिवली में मेट्रो का काम जबरदस्त स्पीड से चल रहा है और प्रोजेक्ट्स भी उतने ही जबरदस्त स्पीड से बन रहे हैं। जब मैं इस प्रोजेक्ट पे पहुंचा तो मैंने रेलवे स्टेशन डाला क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन देखना था, तो सिर्फ 1 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस था, क्योंकि लोग बताते हैं कि स्टेशन से 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, लेकिन असलियत में बहुत दूर होता है। तो इस बार प्रोजेक्ट पे पहुंच के मैप ऑन किया और देखा रेलवे स्टेशन से सिर्फ 1.3 किलोमीटर के डिस्टेंस में प्रोजेक्ट है, और बिल्डिंग के अंदर ही स्कूल के बस वस सब मिलेगा क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर ही दो दो बड़े लेवल के स्कूल है। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के सेल्स ऑफिस में मैं जाने लगा तो मुझे ड्राइवर भाई साहब ने रोक दिया। उन्होंने बोला कि आप गाड़ी अंदर नहीं लगा सकते, लेकिन ऑफिस बहुत सुंदर था और मुझे प्रोजेक्ट रिव्यू करना था क्योंकि एक ऐसा बिल्डिंग यहाँ पे रेडी होने वाला है जिसका प्राइजिंग नेक्स्ट लेवल है। डोंबिवली में इस प्राइजिंग में 415 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया मिलना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे मिल रहा था। तो फाइनली सबसे पहले गाड़ी में बाहर लगाता हूँ और यहाँ पे बन रहे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को देखता हूँ, क्योंकि ये जो डेवलपर है डोंबिवली ईस्ट में 150 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन इनके पास है, और इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स इन्होंने बना के खड़ा किया है। इसके अंदर हर दुकान आपको मिलेगी, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, जनरल स्टोर हो, कोई भी दुकान, हॉस्पिटल तक आपको देखने को मिलेगा। और इतनी सारी बिल्डिंगें इन्होंने बना के कंप्लीट कर दी है कि आप खुद लाइव देख सकते हो, हॉस्पिटल वगैरह भी यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसके सामने मैं आपको दिखाने के लिए आ गया हूँ कुछ ऐसी बिल्डिंग्स जो ऑलरेडी डेवलपर ने रेडी कर दिया है, कंप्लीट है, और अगर किसी को रेडी टू मूव में भी घर लेना है तो इन बिल्डिंग्स में 2-4 फ्लैट्स अभी भी बाकी हैं जो आप खरीद सकते हो। बट आज जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट यहाँ पे होने वाला है, और उसके अंदर मैं आपको लाइव फुटेज भी दिखा देता हूँ कि काम कितना हुआ है। सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हो लगभग ऐसे ही बिल्डिंग आपको मिलने वाली है, और 1 BHK जिसको भी चाहिए उसके लिए तो आज जबरदस्त वीडियो ये होने वाली है। क्या प्राइसिंग है, पानी की सुविधा यहाँ पे 24 घंटे मिलेगी, लाइट की सुविधा आपको मिलेगी। तो सबसे पहले मैं तो सोसाइटी, ये सॉरी क्या कहते हैं, सेल्स ऑफिस के अंदर गया, मुझे बिठा दिया गया कि भाई आप इंतज़ार करो। तो मैंने इंतज़ार किया और ये बड़े स्क्रीन पे देखा कि बड़ी बड़ी अमेनिटीज़ यहाँ पे है, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, थिएटर हो, खेलने की जगह हो, स्पोर्ट्स की जगह हो, जितनी अमेनिटीज़ आप सोच सकते हैं वो सब है, और जो आप नहीं सोच सकते वो अमेनिटीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल है। सेल्स ऑफिस के अंदर मैं सबसे पहले देखना चालू करता हूँ 3D मॉडल। आज के डेट में बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स ही 3D मॉडल बनाते हैं, और इन्होंने भी बनाया, लेकिन इनका दाम बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स वाला नहीं है, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख वाला दाम नहीं है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा सेल्स ऑफिस बनाया है कि जब आप यहां पर आओगे आप एग्जैक्ट फील कर पाओगे कि आपको क्या मिलने वाला है। यहाँ तक कि बिल्डिंग के अंदर ग्राउंड प्लस 5 जितने बड़े बड़े क्लब हाउस, मतलब 5-5 माले के तो ये क्लब हाउस बना दे रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं नॉर्मली। ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हो 3D मॉडल, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। हालांकि इस बिल्डर के पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग इन्वेंट्रीज हैं, अलग अलग दाम है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं आपको वीडियो के एंड में एकदम क्लैरिटी देने वाला हूँ। ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हो ये तो काफी लग्जूरियस बिल्डिंग था, इसके अंदर 1 BHK है ही नहीं, 2, 3, 4, 4 BHK जोड़ी, 5 BHK, इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स इसके अंदर हैं। बट एनीवेज मैं आया हूँ एक बजट प्रॉपर्टी रिव्यू करने, जहाँ पे आपको 35-36 लाख प्लस टैक्सेस में 1 BHK मिलने वाला है, वो भी इतने बड़े सोसाइटी में, इतने बड़े बिल्डर के पास, प्लस टैक्सेस में होगा तो क्या ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। माफ़ कीजिएगा, मेरी ज़बान ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखकर थोड़ी सी फिसल जाती है। बट एनीवेज
सबसे पहले मैं आपको दिखाने आ गया हूं शो फ्लैट। अब ये जो फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो नया प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है उसका है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस किस्म की बिल्डिंग्स ये बनाते हैं, किस किस्म का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी यूज़ करते हैं। और फ्लैट अगर आप 2 BHK नए वाले लॉन्च में लेते हो तो सारा फर्नीचर रखने के बाद भी कितना जगह बच जाएगा उसका पूरा अंदाजा आप यहां से लगा सकते हो। तो सबसे पहले आप देखो किचन। किचन में डुअल प्लेटफॉर्म मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है, और किचन में भी आपको बैल्कनी देखने को मिल जाएगी। हालांकि जो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रहा था वो अलग है, ये अलग है। सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मल्टीपल आपको मिलेंगे, तो जब आप आओगे तो आपका भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ भाई ऐसे भी प्रोजेक्ट्स डोंबिवली ईस्ट में वो भी कम बजट में सच में मिल रहे हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूँ यार, लोग मुझे बोलते हैं दिवेश भाई आप बकबक बहुत ज्यादा करते हो, मतलब सब लोग नहीं बोलते पर कुछ लोग हैं जो बोलते हैं ऐसा, पर मैं तो यार कोशिश करता हूं कि जितना इंफॉर्मेशन दे पाऊं मैं दूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ दाम जानना है, लोकेशन जानना है और बात खत्म, मेरी मेहनत से कोई लेना देना नहीं। बट एनीवेज उन सभी लोगों को इग्नोर करते हुए मैं ज्यादातर लोग जो मुझे पसंद करते हैं और वीडियोस देखना चाहते हैं इन डिटेल उनके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। तो शुरू कर दिया है मैंने ये 2 BHK अपार्टमेंट दिखाना और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मास्टर बेडरूम में। और इसके अंदर भी आप देखोगे तो सारा सामान रखने के बाद भी कबर्ड स्पेस है, उसके बाद ऐसा इंटीरियर किया हुआ है कि आपको समझ में नहीं आएगा इसके अंदर मास्टर बेडरूम है, लेकिन है। आप देख सकते हो वेस्टर्न टॉयलेट और मेरा हाथ। इसके बाद मैं आपको एक और फ्लैट दिखाऊंगा, 1 BHK रॉ फ्लैट। इसके अंदर देखो यहाँ पे भी अपने को बालकनी देखने को मिलती है। और फाइनली मैं आपको लेके चलता हूँ इसके जो क्या कहते हैं उसको, रॉ फ्लैट, मतलब डेवलपर जैसा आपको देने वाले हैं वैसा एज इट इज। सामने आप देख लो सारी चीजें वैसी ही है, सेम साइज है, लेकिन इसकी जो रौनक है वो कम्प्लीटली चली गई है, क्योंकि ऑब्वियसली डेवलपर्स आपको वैसा फ्लैट बना के नहीं देंगे जैसा आप शो फ्लैट में देखते हैं। बट एनीवेज जो चीज़ आपको मिलने वाली है वो देखना भी ज़रूरी है। अब ये जो नया प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है इसके अंदर आपको फैन, LED लाइट्स, AC वेसी जो भी आप देख रहे हो सब कुछ दे देंगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट अलग है। और जो मैं अंडर कंस्ट्रक्शन वाला प्रोजेक्ट दिखा रहा था जिसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी लेवल तक हो गया है वो अलग है, क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है और जो अंडर कंस्ट्रक्शन सफायर बिल्डिंग है उसकी प्राइस थोड़ी सी कम है। तो फाइनली ये वीडियो आप देख के एक अंदाज़ा ले सकते हो कि हाँ इनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा है, कैसे कैसे फ्लैट्स आपको मिलने वाले हैं और क्या दाम होने वाला है। प्रोजेक्ट के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि एक एक चीज़ जब आप साइट पे विजिट करके सामने से देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ ये चीज़ मेरे काम की है या नहीं, यार ये चीज़ मेरे काम की तो मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि मेरा काम वीडियो बना के आपको दिखाना है। फाइनल डिसीजन जब आप सामने से देखोगे तब आप ले पाओगे, क्योंकि चीज़ें कैमरा पे थोड़ी अलग दिखती हैं और जब आप सामने से देखोगे तब थोड़ी अलग दिखती हैं। बट एनीवेज पूरा डिटेल अब मैं आपको फाइनली दे ही देता हूँ। तो फाइनली वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करने वाला हूँ, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स देने के बाद, जैसे कि अभी आप देख लो ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ। ये प्रोजेक्ट 150 एकड़ से भी ज्यादा जमीन में बन रहा है। अब 150 एकड़ जमीन मतलब जरूरत से ज्यादा जमीन हो गई, तो 150 एकड़ जमीन में सिर्फ एक बिल्डिंग बनेगी? यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनने वाली है वो बहुत सारी है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें अलग अलग टाइप की बिल्डिंग्स है, तो इसके अंदर कुछ ऐसी भी बिल्डिंग्स हैं जैसे कि मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर सिर्फ 1 BHK होगा, कुछ ऐसी इन्वेंट्रीज भी हैं इसके अंदर जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सिर्फ 2 BHK। अब आपको हर अपार्टमेंट के अंदर बालकनी नहीं मिलेगा, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी इसके अंदर बालकनी है। इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी भी उन्होंने बनाई है जिसके अंदर सिर्फ 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 4 BHK जोड़ी एंड 5 BHK। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे जिसकी इन्वेंट्री अलग अलग है। किसी बिल्डिंग में सिर्फ 1 BHK, किसी में 2 BHK, किसी में मिक्स है, किसी में 1 BHK है ही नहीं, 2, 3, 4, 5 BHK जैसा कि अभी मैंने पहले आपको बताया। तो प्राइसिंग भी हर बिल्डिंग का अलग होने वाला है। अब यहाँ पे एक फायदा आपको देखने को मिलेगा जो मेरे हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको अगर रेडी टू मूव बिल्डिंग चाहिए तो उसके अंदर आपको घर मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए कि देवेश भाई मैं 6 महीना 1 साल 1.5 साल रुक सकता हूँ,
तो आपको ऑलमोस्ट नियरिंग पोजेशन वाली बिल्डिंग में भी घर मिल जाएगा। और अगर आपको ऐसा घर चाहिए कि नहीं मेरे पास तो अभी 3-3.5 साल का टाइम है, तो कोई प्रोजेक्ट जो अभी जस्ट लॉन्च हुआ है उसके अंदर मुझे घर चाहिए, तो उसमें भी आपको घर मिल जाएगा। जैसा घर आपको चाहिए वैसा घर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब जो मेन चीज मैं आपको बताना चालू करता हूँ वो ये है कि चलो ठीक है ये सब बातें तो हो गई, आपको कैसा लगा प्रोजेक्ट? तो मुझे पर्सनली प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा लगा, पहली बात, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में है। प्रोजेक्ट के जस्ट सामने जब आप देखोगे तो आपको मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा, मतलब जैसे ही आप एंटर करते हैं उसके जस्ट अपोजिट में ही मेट्रो स्टेशन बन रहा है। रेलवे स्टेशन से डोंबिवली रेलवे, डोंबिवली ईस्ट में ये प्रोजेक्ट है, डोंबिवली ईस्ट रेलवे स्टेशन से ये प्रोजेक्ट है ज्यादा नहीं, 1.5 किलोमीटर भी नहीं था, मैंने मैप पे ऑन करके आपको दिखाया था, 1.3-1.4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट आ जाता है। अब मैं आपको एक चीज और क्लैरिफाई कर देता हूं कि बिल्डिंग अलग अलग है, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, जिस बिल्डिंग में आपको घर चाहिए उस बिल्डिंग में मिल जाएगा। अब स्टार्टिंग में आपको अगर बताऊं तो 1 BHK एक बिल्डिंग है, सफायर उसका नाम है, उसके अंदर आपको 1 BHK मिलेगा 35-36 लाख प्लस टैक्सेस में। तो प्लस टैक्सेस का क्या मतलब हुआ देवेश भाई, हमको वो बताओ कि अपने को नाम पे करा के कितने में मिलेगा? तो पूरा अगर मैं आपको बताऊं तो 41-42 लाख में आपको नाम पे करा के मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे नेगोशिएबल भी होगा, तो मान लो 1-2 लाख रुपए आपका ऊपर नीचे हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको सबसे सस्ता घर चाहिए तो वो 17 माले का टावर है जिसके अंदर 1 BHK आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ लगभग 40 लाख प्लस, मतलब 40 लाख ऑल इंक्लूसिव, वो 41 भी हो सकता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत जैसा नेगोशिएबल होगा। जितना मैंने बात किया उस हिसाब से मुझे सबसे सस्ता यही लगा, 35 लाख प्लस टैक्सेस नाम पे करा के 42 लाख में, नेगोशिएबल ऊपर नीचे कम ज्यादा करने के बाद लगभग 40 लाख के आसपास आपको ऑल इंक्लूसिव मिल जाना चाहिए। और उस बिल्डिंग का पोजेशन कब है, 17 माले का टावर है, लगभग 1-1.5 साल में उसका पोजेशन भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप रेडी टू मूव बिल्डिंग देख रहे हो तो उसके अंदर भी मिल जाएगा। अब इस सैंपल फ्लैट की बात करते हैं, ये जो सैंपल फ्लैट और रॉ फ्लैट मैंने आपको दिखाया इसके अंदर तो आपको फैन, LED, AC वगैरह भी ये लोग लगा के दे रहे हैं, लेकिन इसकी प्राइसिंग अलग है। ये दूसरा बिल्डिंग है जिसका बाहर मैंने आपको 3D मॉडल दिखाया। अब ये जो बिल्डिंग है ये अभी अभी नया नया लॉन्च हुआ है, इसके अंदर जैसे अगर 2 BHK है तो हॉल में भी बालकनी है, बेडरूम में भी बालकनी है, किचन में भी बालकनी है, और दोनों बेडरूम में बालकनी है, तो ये काफी बड़ा है। और इसमें नॉर्मल 1 BHK भी है जिसके अंदर भी बालकनी आपको मिलेगा, लेकिन इसकी प्राइसिंग उससे ज्यादा है, मतलब 4-5 लाख रुपए के आसपास इसकी प्राइसिंग ज्यादा आपको मिलेगी। और अगर आप रेडी टू मूव में लेना चाहते हो तो उसकी भी प्राइसिंग अलग होगी, रेडी टू मूव का प्राइसिंग रेडी टू मूव के हिसाब से होगा, क्योंकि रेडी टू मूव की बिल्डिंग की प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो अब पूरा डिटेल मैंने दे दिया है, अब एमिनिटीज की बात करो तो आप जो दिमाग में सोच सकते हो वो सारी एमिनिटीज यहाँ पे है, और ऐसी भी एमिनिटीज है जो आप शायद सोचो भी ना, चाहे वो थिएटर हो, कौन सा अलग अलग स्पोर्ट्स खेलने के लिए कोर्ट होता है वो सब, यहां तक कि इतने बड़े बड़े क्लब हाउस हैं, ग्राउंड+5, मतलब ऐसा लगेगा कि आप दुबई में आ गए हो, ऐसे ऐसे क्लब हाउसेस यहाँ पे बनाए गए हैं। मतलब मेरे वीडियो में जस्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, आप साइट पे जब आओगे सामने से देखोगे तो मुझे लगता है तब आपको असली एक्सपीरियंस होगा कि डोंबिवली में आखिर यहाँ पे ऐसा बन क्या रहा है। तो एक काम करो, आप स्क्रीन पे नंबर मैंने दिया है, डायरेक्ट आप कॉल करो, साइट विजिट करो। घर ढूंढने के लिए लोग करते हैं ना, कि मतलब मुझे भी लोगों ने बोला कि यार आप नवी मुंबई कर रहे हो, मुंबई कर रहे हो, थाने कर रहे हो, मलाड़ कर रहे हो, हर जगह प्रोजेक्ट रिव्यू कर रहे हो, तो डोंबिवली में क्यों नहीं कर रहे हो? तो फाइनली मैं भी घूमते फिरते डोंबिवली में आ गया हूं ये प्रोजेक्ट रिव्यू करने, और इससे भी और बजट में प्रोजेक्ट्स में रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए डोंबिवली में ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब जिस हिसाब से बनाया है, अगर आप यहाँ पे रहेंगे आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, दोस्त, दुश्मन, मतलब सब एकदम लगेगा कि हाँ कहीं तो घर लिया है, ऐसी जगह लिया है कि उसका लेवल है, एक लेवल है इस जगह का। एनीवेज, पूरी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है, आपको किसी भी ब्रोकर, एजेंट, थर्ड पार्टी, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैंने स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, फोन करके आप बात कर लो, साइट विजिट कर लो, पसंद आ जाए तो ले लो, नहीं पसंद आ जाए तो मेरी अगली वीडियो का वेट करो, मैं फिर से वीडियो डालता रहूंगा, आप विजिट करते रहिए, जो आपको समझ में आए, आपके पसंद में आए आप लीजिए, लेकिन मेरा फायदा करवाइए,
मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, मेरा फायदा उसी से होना है। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।